एक रिंग इज मेड हैविंग, जनरली ये क्वेश्चन डाउट में आता है, पता नहीं क्या इसमें है, तो जनरली बच्चे इसको नीट वाले डाउट में लेके आते हैं। एक रिंग है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, मतलब ये पूरा रिंग है, दिस इज द रिंग, और इस पूरे रिंग का रेजिस्टेंस 12 ओम है, 12 ओम पूरे का रेजिस्टेंस है ये। द पॉइंट्स ए एंड बी इन शोन इन फिगर कैरिंग करेंट आर, पॉइंट ए एंड बी, ये पॉइंट ए पॉइंट बी है, कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, सब सर्किट द पॉइंट 8/3, मतलब इसके अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस मिला, समझना, पूरे का रेजिस्टेंस 12 था, लेकिन अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, एक मैंने पॉइंट लिया ये पॉइंट फर्स्ट लिया, और ये मैं पॉइंट ए लिया, और यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट लिया बी, और यहाँ से अगर मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी आपको मिल रहा है वो 8/3 है, 8/3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा। अगर इसमें पूरे को खोल दूंगा, पूरे वायर को काट के खोल दूंगा तो रेजिस्टेंस 12 है, और अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो रेजिस्टेंस 8/3 है। तो कहता है अगर ऊपर ये वाली जो लेंथ है, समझने की कोशिश करना, ये जो लेंथ है प्यारे बच्चों, ये लेंथ L1 है, और लोअर लेंथ ये वाली जो लेंथ है वो L2 है, तो फाइनली मुझे जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है L1/L2 की वैल्यू, दिस इज द फाइनल कैलकुलेशन, ये मुझे कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करनी हो तो मैं कैसे करूँगा, तो वाली चीज़ हम लोग देखते हैं L1/L2। चलो तो समझो, पूरे का अगर रेजिस्टेंस हमें पता है, मान लो इसकी रेजिस्टेंस अपर वाला पार्ट है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ एक्स है, ठीक है, समझ रहे हो बात, समझना, ऊपर वाला ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच यहाँ जो भी रेजिस्टेंस आएगा, और ये रेजिस्टेंस इधर जो आएगा ये वाला, ये दोनों ए और बी के अक्रॉस पैरेलल में होंगे यार, समझ रहे हो ना, ऐसे यार ए एंड बी, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ये एक्स मान लिया मैं, ठीक है, तो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस आ जाएगा ये ए आ जाएगा 12-x, आ रहा बात समझ में, क्योंकि 12 टोटल था और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अगर मैं लिखूं, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी मैं लिखूं, और इस ये रेजिस्टेंस R1 दे देता हूं और इसको मैं R2 दे देता हूं, तो ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखूं तो R1 R2 दोनों पैरेलल में हैं, और ये आ जाएगा R1+R2, ये वाली चीज़, और ए बी के अक्रॉस तो टोटल रेजिस्टेंस, तो इस ए बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस 8/3 तो दिया है प्यारे बच्चों, तो 8/3 तो ए आ जाएगा, 8/3 ये आ जाएगा, एंड दैट इज R1, मतलब x और ये 12-x और डिवाइडेड बाई 12-x+x, ये वाली चीज। तो फाइनली अगर तुम इसमें से डिवाइड करोगे, यहाँ से देखो तो हमें लेंथ का रेशियो चाहिए ना, तो R1 और R2 से डिवाइड करोगे तो ये R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन A, और R2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये रो L2 अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन सेम हुआ है यार, मटेरियल सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम हो गया प्यारे बच्चों, तो R1/R2 की जो वैल्यू आ जाएगी रेशियो वो आ जाएगी L1/L2, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू एक्स एंड 12-x, ये हमारा लॉजिक चलेगा, बात आ रहा समझ में, ठीक है, ये हमारा टारगेट है निकालना L1/L2, तो R1 अगर ऊपर मान लिया R2 तो ये R1/R2 मैंने लिख लिया, और R1/R2 L1/L2 के बराबर होगा x, ये अगर x, ये जो x अननोन है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके लाऊं और यहाँ रख दूं तो सोल्यूशन हो जाएगा, तो चलो x कैलकुलेट करके लाते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली, फिर ले जाके वहाँ रख देंगे, ठीक है, तो चलो x के लिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व फॉर x, तो ये x ये ख़त्म हो जाएगा, और ये 4 times कट जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 12x-x² ठीक है, तो ये आ जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 32 दैट इक्वल टू जीरो, और अच्छे से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 दैट इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x माइनस 32 दैट इक्वल टू जीरो, ये यहाँ से। तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 8 × 32 यहाँ से, और ये 12x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस ए प्लस आ जाएगा ना, इधर आया मैं और ये प्लस रहेगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम कुछ, माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 8, और यहाँ से प्लस 4 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 8 8 × 32 इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स प्लस 4 दैट इक्वल टू जीरो, और या और एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो एक्स की जो वैल्यू है वो या तो 4 आएगी या एक्स की वैल्यू 8 आएगी। तो ये दोनों हम दो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू 8, तो ये ले जाके यहाँ पर रख देते हैं और रेशियो हमें फाइनली मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ इन दोनों वैल्यू को, तो L1 अपन L2 की जो वैल्यू आ जाएगी फॉर x इज इक्वल टू 4 के लिए, देखो तो ये 4 और ये आ जाएगा 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, ठीक है। तो ये L1 अपन L2 अगर x की वैल्यू 8 रखते हो तो यह आ जाएगा 8 और ये 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8 और 8 × 4 = 12 और यह आ जाएगा 2। तो 1/2, अब देखो ऑप्शन मैच करो इसमें से कौन सा मैच करता है। तो 1 L1 / L2 की जो वैल्यू है वो मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ